घोषित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को अपने गढ़ में हाथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है उनकी जिस तरह तेवर सामने आए हो जिस तरह उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है वो अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से तिलमिला गए हैं अपनी हार को लेकर जहां साल 1989 से लगातार मट का कब्जा रहा है वहां पर अगर समाजवादी पार्टी सेन लगा जाती है प्रवीण निषाद नाम का एक युवा नेता जो पहली बार इसी सीट से सांसद बनता है जिस जो जीत ऐतिहासिक उसने कर ली है अब उसी जीत को लेकर बौखला गए हैं योगी आदित्यनाथ और तो लिया है बड़ा फैसला फैसला ये लिया है कि उन्होंने डीएम को हटा दिया है वहाँ से तबादला कर दिया है और वहाँ से उनकी छुट्टी करते हुए नए डीएम को अपॉइंट किया है नियुक्त क्या जो वहां पर अगर पुराने डीएम की बात करूँ तो उनका नाम है राजीव रौतेला। राजीव रौतेला, ये वही शख्स हैं जब जिस दिन वोटिंग हो रही थी काउंटिंग हो रही थी माफी चाहूंगी जब 14 मार्च को काउंटिंग हो रही थी उस दौरान राजीव रौतेला पर ये आरोप लगा कि वो मीडिया को गलत जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अंदर काउंटिंग किसी और बहुत ज्यादा राउंड की हो गई थी लेकिन मीडिया को जानकारी एक दो राउंड की ही दी जा रही थी क्योंकि डीएम को शायद इस बात का एहसास हो गया था सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी हार रही है गोरखपुर से और शायद वो और सरकार के इशारे पर मीडिया को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और जब मीडिया ने वहां पर बवाल करना शुरू किया उसके बाद अब खुद डीएम जिलाधिकारी सामने आए मीडिया के सामने और फिर वो काउंटिंग जो थी वहां पर राउंड की काउंटिंग खुद बता रहे थे मीडिया को मीडिया के सामने तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरह से राजीव रौतेला जिलाधिकारी जो है वो खबरों में आ गए थे अब उनका पत्ता साफ कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उनकी जगह नए जिला अधिकारी को नियुक्त किया है है इसके साथ ही एक बड़ी खबर कि अमित शाह ने तलब किया है दिल्ली जी हाँ सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और उनसे उनको बताएंगे कि आखिर हार क्यों हुई है होलपुर और गोरखपुर में जिस तरह से बीजेपी अपनी हार से तिलमिला गई है पीएम मोदी सार लग रहा है अब चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं उनकी उनके कानों में ये जो हार है वो गूंज रही है कि आखिर कैसे हार गए गोरखपुर और फोलपुर पूर्वोत्तर में तो बड़ी जीत का दावा करके जीत कर बहुत दमखम से सामने आए थे पीएम मोदी और पहुंच गए थे सोलर प्लांट का उद्घाटन करने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ तो सोच सकते हैं वो दमखम अब कहीं ना कहीं नीचे आ गया है वाकई योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा अति आत्मविश्वास ले डूबा भाजपा को क्योंकि अति आत्मविश्वास की लहर में ही गई है भाजपा और खुद योगी

बरकरार है, लेकिन यूपी के ने झटका दे दिया, गोरखपुर फूलपुर की जनता ने बता दिया कोई मोदी लहर नहीं है आप काम करोगे हमारे तरीके से तो सही है वरना आप सत्ता से बाहर का रास्ता देखो तो यही अब हुआ आप भले ही दो सीट है लेकिन दो बड़ी सीट थी फूलपुर ऐतिहासिक सीट रही है और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है खुद योगी आदित्यनाथ ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी सीट उनके उनके सामने से उनकी सीट सफाई लेकर चले जाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे और यही हुआ और यही उनकी तिलमिलाहट हाँ निकली है राजीव रौतेला पर जिलाधिकारी जिनका उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मैं आपको दिखाना चाहूंगी खबर आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर यूपी उपचुनाव नतीजों के बाद योगी सरकार ने सैंतीस आई अधिकारियों का तबादला कर दिया है और काउंटिंग के आंकड़े जारी ना करने को लेकर विवादों में खिले गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव तो रातेला पर भी तबादले की गाज गिरी है। विजयन पांड्यन, गोरखपुर के नए डीएम होंगे और तबादले की गाज गोरखपुर के साथ बरेली के डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह पर गिरी है। आपको पता है ये डीएम जिस तरह से चर्चाओं में आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब उससे मालूम हो रहा है कि जो वहाँ पर जो आई से कहते हैं कि वहां पर अगर सरकार का ज्यादातर काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं अब ब्यूरोक्रेट्स ही अब निशाने पर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के और जिला प्रमुख अधिकारियों के तबादले हुए हैं उनके नाम आप जरा सुनिए शीतल वर्मा सीतापुर की नई जिलाधिकारी होंगी अखिलेश कुमार मिश्रा पीलीभीत के नए जिलाधिकारी होंगे गोरखपुर के नए डीएम होंगे विजयन पांडयान जहां पहले राजीव रौतेला थे और ऐसे में आजमगढ़ के डीएम होंगे चंद्रभूषण सिंह माफी चाहूंगी आजमगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह को अलीगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है शिवाकांत त्रिवेदी को चित्रकूट से आजमगढ़ भेजा, भेजा गया है और राजेंद्र प्रसाद को प्रसाद को निदेशक प्र, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन से जिलाधिकारी भदोही बनाया गया है कृष्णा करुणेश को हापुड़ से जिलाधिकारी बलरामपुर प्रमोद कुमार उपाध्याय को जिलाधिकारी सोनभद्र से जिलाधिकारी हापुड़ हेमंत कुमार को जिलाधिकारी चंदौली से जिलाधिकारी अमरोहा बनाया गया है इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं क्या आप देख सकते हैं नवनीत सिंह चहल की बात हो रही है राकेश कुमार मिश्रा की बात हो रही है अमित कुमार सिंह की बात हो रही है रमाशंकर मौर्य की बात हो रही है भवानी सिंह खंगारोद की बात हो रही है जो कि बलिया के नए जिलाधिकारी होंगे और राजीव रौतेला चर्चाओं में आते मैंने आपको इस शुरुआत में ही बताया था कि आखिर वो चर्चाओं में क्यों है क्यों क्यों रहे थे उन्होंने पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे थे बीजेपी उम्मीदवार उप, उपेंद्र शुक्ला लेकिन दूसरे राउंड की गिनती होने के बाद बीजेपी पिछड़ी नजर आई तो जिले के डीएम राजीव रौतेला ने नतीजों की घोषणा ही रोक दी थी और सवाल उठने के बाद डीएम देरी से काउंटिंग के नतीजे जारी कर रहे थे और चुनाव नतीजों की घोषणा में देरी पर चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है और ये देखिए डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह जिनका बरेली में तबादला बरेली के जिलाधिकारी इन्होंने। इन्होंने बवाल हुआ था उनके उनतालीस शब्दों के छोटे से पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया था और उस दौरान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्या कहा था वो बताती हूँ आपको राघवेंद्र ने कहा था जो बरेली के जिलाधिकारी अब नहीं है उन्होंने कहा था अजब रिवाज बन गया है मुस्लिम मोहल्लों में ज़बरदस्ती जुलूस ले जाओ और पाकिस्तानी मुर्दा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ क्यों भाई वो पाकिस्तानी हैं क्या यहाँ यही यहाँ बरेली में ख़लम में हुआ था फिर पथराव हुआ मुकदमे लिखे गए ये थी बगावत काज की घटना अपने आप में काफी चर्चाओं में रही थी 26 जनवरी के दिन यह वारदात सामने आई थी उसके बाद इसमें एक युवक चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी और लगातार इस पर सियासत हुई थी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर फिर से योगी आदित्यनाथ बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा था और योगी सरकार फिर से सांप्रदायिक नेता साबित होते हुए नजर आए थे विरोधियों ने उन पर बहुत हमले किए थे और ऐसे में आप सोच सकते किस तरीके से ये दो जिलाधिकारी राजीव लौतेला यानी गोरखपुर के और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जो की बरेली के जिलाधिकारी सारी है दोनों की छुट्टी कर दी गई है दोनों का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह नए जिलाधिकारियों को नियुक्त किया गया है ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ कितने आक्रोशित हैं अपनी हार को लेकर और ऐसे में अब उनको जो तलब किया गया है उससे उनकी बौखलाहट और जाहिर हो रही है और आपको खबर दिखाऊंगी या आप देख सकते हैं यहां पर उपचुनाव में हार के बाद आप देख सकते हैं आप उपचुनाव में हार के बाद समीक्षा को लेकर आज शाह के सामने योगी की पेशी है और आज होगी समीक्षा के आखिर क्यों हारे हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में, में विधानसभा माफी चाहूंगी जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसको लेकर निराशाजनक जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद चिंता का सबब बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और परंपरागत जो गोरखपुर की सीट है उसके बाद से तो समझिए योगी आदित्यनाथ खुद हाशिए पर आ गए हैं उन्हें हाई कमान ने दिल्ली तलब कर लिया है और आज दिल्ली बुलाया गया है और शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे और इस पर जो चुनाव उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा हो सकती है और आज शाम को कहा जा रहा है पांच बजे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक होगी और योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम कई का रद्द कर दिए हैं हार के बाद और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनको गोंडा भी जाना था वहां पर योगी को चार दिवसीय लोक कला महोत्सव में हिस्सा लेना था लेकिन अब उनकी जगह उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा महोत्सव में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम में योगी को नानाजी देशमुख की मूर्ति का अनावरण भी करना था आज जिस तरह से सत अगर मैं देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है और आगामी 19 मार्च को योगी सरकार को एक साल होने वाला है उनके कार्यकाल को से पहले जो कहते हैं ना कि किसी की अगर सालगिरह आ रही हो उससे पहले अगर किसी को तगड़ा झटका लग जाए तो वो किसी भी दुख से कम नहीं होता है बहुत बड़ी सख्त दर्द का दंश झेल रहे हैं सीएम योगी और सबसे बड़ा दर्द तो उन्हें उनकी ही गढ़ की जनता ने दे दिया है गोरखपुर की जनता ने ही उन्हें सबसे बड़ा दर्द दर दे दिया है सपा के हाथों में वो सीट देकर ऐसे तो में आप खुद सोच सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ के जो आ, जो जो पुराना जो उनकी कार्यशाली थी जो उनका सियासी वर्चस्व था गोरखपुर में वो कद घटता जा रहा है कहा भी जाता है कि अगर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है ये भी कहा जाता है और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दबदबा है वहां पर योगी आदित्यनाथ का लेकिन प्रवीण निषाद ने एक 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 मिनट में उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया प्रवीण निषाद जो कि वहां पर सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरीके से आ, ये शख्स अचानक से सुर्खियों में आए और पहली बार ही सांसद बने और अभी तक इनका अगर इनके बैकग्राउंड की बात करो तो इन्होंने बीटेक कर रखा है और और जिस तरह से ये सांसद बने हैं उससे इनका और ज्यादा बढ़ गया है और समाजवादी पार्टी में अब इनकी जो अखिलेश यादव की नजरों में अब ये और ये और ज्यादा ऊपर इनको वरीयता दी जाएगी ऐसा भी ये कहा जा रहा है और अखिलेश यादव ने यहाँ पर निषाद का कार्ड खेला था क्योंकि निषाद वहां पर निषाद की भी काफी निषाद वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसमें जाती समीकरण के आगे हार गई भाजपा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग दलित और यादव यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो एम वाई का समीकरण था साथ ही ओबीसी का जो समीकरण था और दलितों का जो समीकरण था वो हरा ले गया बीजेपी को ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर काम नहीं आया और में सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि शायद जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में जो शहरी मतदाता थे क्योंकि बीजेपी का हमेशा से अगर रेशियो देखा जाए जो उसको प्रचंड बहुमत हासिल हो रहा है उसमें शहरी मतदाताओं का रेशियो सबसे ज्यादा है तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि, कि किस तरीके से इस बार शहरी मतदाताओं ने वोट नहीं किया था बीजेपी को और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि गोरखपुर सीट से हार सकते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट इस बार जा सकती है बीजेपी की खाते से और वही हुआ वही हुआ कि गोरखपुर सीट से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और फूलपुर से होना बिल्कुल तय था लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है राजीव रौतेला के खिलाफ जो कि गोरखपुर के डीएम है डीएम थे अब उनका तबादला कर दिया गया है वही बरेली के डीएम के खिलाफ लिया गया है ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब योगी आदित्यनाथ आप जब हार का मंथन कर लेंगे जब उन्हें वजह पता चलेंगी तो उसके बाद हो सकता है कि फिर वो कोई और बड़ा एक्शन ले जो अपने आप में सियासी भूचाल लाते और अमित शाह के सामने आज वो जहां वो हाजिर होंगे और शाम को मुलाकात होगी उनके अमित शाह से तो ऐसे में आप देखना होगा कि आगे की स्ट्रैट जी यूपी को लेकर क्या तय होती है हालांकि निस्संदेह इस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह के होश उड़े हुए हैं और उड़ना लाजमी है क्योंकि यूपी में जिस तरह से परफॉर्मेंस बीजेपी की निकलकर सामने आई एक साल के कार्यकाल के दौरान दो सीटों पर हार मिली है जिस तरह से वो आके आक, बाकी अपने आप में राजस्थान में भी उपचुनाव हार गई बीजेपी तो सोच सकते हैं यहाँ कि इस वक्त बहुत ज, जरूरी है पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मंथन करना अगर उन्हें फिर से साल दो में अपनी सरकार बनानी है क्योंकि रास्ता तो बिहार और यूपी से ही होकर जाएगा और ऐसे में यूपी की जनता को नाराज करना भारी पड़ सकता है मोदी और योगी को तो दर्शकों आज आपके खास प्रोग्राम में बस इतना ही करते फिर से एक अहम मुद्दा होगा आपके सामने लेकिन तब तक के लिए नमस्कार